सर आप देख रहे हैं कठोर का न्यूज चैनल, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारी शिक्षा मंत्री उनमें सभी चर्चा आ रही है, और जैसे चिंता देख रहे हैं आप लोग, तो सर आप बताइए कि मोदी जी आ रहे हैं तो वो किस पक्ष में आ रहे हैं, क्या पक्ष है, और आप लोग क्या रहेगा महा जबलपुर मध्य जबलपुर जो है संस्कार धानी है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको तो पता ही है चुनावी माहौल चल रहा है, और मोदी जी जो है यहाँ पर भी जाते हैं तो एक कार्यकर्ता को एक जो समझाने का काम करते हैं, क्योंकि मोदी जी नेतृत्व करते हैं, पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और उनका जो तरीका है वो बहुत प्रखर वक्ता है और बहुत ही अच्छी कार्यशैली है, और जबलपुर एक पावन नगरी है मान नर्मदा जी का, और बहुत ही अच्छा है महापर्व है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, और मैं कटनी से नारायण संजय पटेल, मैं बोहरीवन विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में भी मैं टिकट भी मांग रहा हूँ, देखिए आगे क्या होता है। तो जैसा कि सर आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, कुछ लोगों को यह मानना है कि शिवराज सिंह चौहान जी नहीं आने चाहिए, तो ऐसा पब्लिक को क्या लगा है, किस कारण से लग रहा है कि वो नहीं आने चाहिए, इसके पीछे कोई वजह आप बता सकते हैं? ये ऐसा तो कुछ नहीं है, मामा जी के जितनी भी योजनाएं हैं अभी पुरानी योजनाएं, आर्थिक मुझे नहीं लगता कि उनके जैसे मध्य प्रदेश में कोई योजनाएं लागू कर सकता, बहुत ही अच्छी कार्य क्षमता है, और मामा जी ने अपनी लाडली बहनों के लिए और समस्त मध्य प्रदेश के लिए, मेरे को तो लगता है कि पैदा होते से डेट तक का जो आज तक किसी शासन ने लागू नहीं किया, डेट तक का जो है पंचायत के द्वारा 5,000 रुपये जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया, ऐसी सरकार संभव नहीं मध्य प्रदेश के अंदर, और मामा जी का आना बहुत सुनिश्चित है और आएंगे, ऐसा नहीं है पार्टी, बाकी अपना पार्टी अपना काम करेगी, ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी वो इस चल में विचार कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं आप लोग भी उसी पार्टी से हैं, तो आप जैसे जान रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भी हैं तो उनको हराने के लिए अपना फुल एकदम बजट बना के रखे हैं, तैयारियां भी कर रहे हैं, अभी रीवा में अखिलेश यादव जी आए उन्होंने भी इस मुद्दे पे कहा, और अरविंद केजरीवाल जी भी आए उन्होंने भी ये मुद्दा कहा कि हमारे दिल्ली राजधानी जैसे इतनी गवर्नमेंट जो है इतने प्राइवेट बना दिया गया है ना, तो उस चीज को भी उन्होंने अपना पूरा एक बयान रखा रीवा वासियों के बीच में है ना, और हमारे भाजपा विधायक नेता सबके बीच में उन्होंने रखा, तो ये सब चीज जो मुद्दे चल रहे हैं एक दूसरे के विपक्ष में, तो इसमें इस मामले में आपको क्या कहना कि ये विपक्षी पार्टी अपने को क्या करना चाहती है ना, भाजपा के प्रति इनकी क्या नीयत है, क्या राय है ना, तो इस बारे में आप हमें बताइए। देखिए पहला तो आपने अखिलेश जी की बात की, अखिलेश जी अपना उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा योगी जी उन्हें कड़ा जवाब दे रहे हैं, और उन्हें ये सब नहीं, पहले तो अपना मैदान देखना चाहिए, मध्य प्रदेश के बारे में बाद में विचार करेंगे, पहले अपने उत्तर प्रदेश के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि ना तो उनकी सांसदीय सीट है और ना वो अभी सरकार में आए, और वो अपना उत्तर प्रदेश देखें तो ज्यादा, मध्य प्रदेश अभी इतना उतर पुथल नहीं है, मध्य प्रदेश बहुत ही समझदार लोग हैं मध्य प्रदेश में, और कोनाए भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में जो है 2023 में, और बात रही अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आपको पता है कि कितने बड़े भ्रष्ट भ्रष्ट नेता हैं, आप देख ही रहे होंगे, और जेल जाना जो है तैयारियां चल रही है वो भी अपनी दिल्ली की, जिस तरीके से भाजपा सरकार अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरे पे दौरे करना और शिवराज सिंह चौहान जी का दौरे पे दौरा हो रहा है, जिस आवाज़ में
मैंने बताया ना कि लोग बहुत समझदार है, तभी आज पांच के बाद भी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जैसा कि आपने सभी हमें बताया भाजपा के बारे में कि क्या कैसा चल रहा है ना, तो आपको मिलकर हमें बहुत अच्छी खुशी लगा। आप एक बार हमें अपना नाम बता दीजिए। मैं कटनी से बिलोंग करता हूँ, माधव नगर क्षेत्र से, और मेरा जो कर्म भूमि वो ग्राम निवास है जो गौरी वन्य क्षेत्र में आती है, और वहाँ से भी मैं टिकट की मांग कर रहा हूँ क्षेत्रीय प्रत्याशी के रूप में। मेरा नाम नारायण कुंज पटेल। धन्यवाद आपका सर, ये हमारे साथ